व्हाट्सएप पे जब भी हम किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं और अगर रिसिपेंट हमारे मैसेज को रीड कर लेता है तो हमें उस मैसेज के राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे दो ब्लू टिक्स दिखाई देते हैं। ये ब्लू टिक्स ये दर्शाते हैं हमारे द्वारा भेजा हुआ मैसेज रिसिपेंट द्वारा रीड कर लिया गया है। पर क्या हो अगर आपके रिसिपेंट ने ब्लू टिक फीचर को डिसेबल कर रखा हो? उस सूरत में अगर आप किसी को भी मैसेज सेंड करते भी हैं, यानी उस ब्लू आप रेसिपेंट को मैसेज सेंड करते भी हैं और वह रेसिपेंट मैसेज को रीड कर भी लेता है, तब भी आपको ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे। मींस आप ये जान नहीं पाएंगे कि आपका मैसेज आपके रेसिपेंट ने रीड कर लिया है या नहीं कर लिया है। और फिर भी अगर आप जानना चाहते हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, हम कैसे हम ये जान पाएं कि हमारे द्वारा सेंड किया हुआ मैसेज रेसिपेंट द्वारा रीड कर लिया गया है या नहीं किया गया है, तो आज अगर आप जानना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक आप बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ अगर रेसिपेंट ने ब्लू टिक फीचर को डिसेबल कर रखा हो और फिर भी अगर हम किसी को मैसेज सेंड करते हैं, यानी उस रेसिपेंट को मैसेज सेंड करते हैं, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे द्वारा सेंड किया हुआ मैसेज रेसिपेंट द्वारा रीड कर लिया गया है या नहीं किया गया है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ब्लू टिक फीचर्स इंडिविजुअल चैट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी अगर हम बात करें ब्लू टिक फीचर्स, अगर हम किसी से इंडिविजुअली चैट करते हैं, किसी एक रेसिपेंट के साथ इंडिविजुअली चैट करते हैं हम, तो उस मैसेज पे, उस मीडिया कंटेंट पे ब्लू टिक फीचर वर्क करता है। पर ब्लू टिक फीचर की अगर हम बात करें तो यह ग्रुप चैट्स पे या ऑडियो मैसेजेस पे यह फीचर कॉम्पिटेबल नहीं है। अर्थात अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपको एक ऑडियो मैसेज सेंड करता है, यानी एक वॉइस मैसेज सेंड करता है, और अगर आपने अपने फ़ोन में अपने सेटिंग्स में जाकर अगर आपने ब्लू टिक फीचर को डिसेबल कर रखा है, अगर ऑडियो मैसेज आपके पास आता है इंडिविजुअली और जैसे ही आप उसको रीड करते हैं, तो भले ही बाकी के टेक्स्ट मैसेजेस में उसको ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे, बट जैसे ही आप उस मैसेज को रीड करेंगे, अर्थात आप उस मैसेज को सुनेंगे, आपके फ्रेंड को उसके मैसेज के बॉटम पे दो ब्लू टिक्स दिखाई देने लगेंगे। और ये तभी दिखाई देगा जब आप उस मैसेज को रीड करेंगे, यानी आप लिसन करेंगे, आप उसको सुनेंगे, तभी वो ब्लू टिक्स वहां पर शो करेंगे। इससे आपका फ्रेंड बड़ी आसानी से जान सकता है कि अगर आपने ऑडियो को सुना है, क्योंकि वहां पर ब्लू टिक्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले भेजे हुए मैसेजेस को भी आपने देखा ही होगा, आपने रीड किया ही होगा। तो यही सिंपल सी ट्रिक आप भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि आपके द्वारा भेजा हुआ मैसेज रेसिपेंट रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको काफ़ी लंबे समय से ब्लू टिक्स नहीं दिख रहे हैं उसके चैट कॉन्वर्सेशन पे, ना ही आपको रिप्लाई कर रहा है, तो सिंपली आपको करना ये है कि बस आपको 5 से 10 सेकंड का एक ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपको उस रेसिपेंट को सेंड कर देना है। जैसे ही आप उस रेसिपेंट को सेंड करेंगे, अगर वो रेसिपेंट उस मैसेज को सुनेगा, रीड करेगा, वैसे ही आपको बॉटम पे ब्लू टिक्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और आप बड़ी ही आसानी से जान पाओगे कि आपके द्वारा सेंड किया हुआ मैसेज रीड कर लिया गया है। यानी अगर ऑडियो मैसेज रीड किया गया है, तो साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है कि आपके द्वारा भेजे गए अन्य टेक्स्ट मैसेज को भी रीड किया गया होगा। वैसे भी हाल ही में अभी व्हाट्सएप ने अपने ऑफिशियल ब्लॉग में इस चीज़ को पब्लिश किया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है कि ब्लू टिक फीचर ग्रुप चैट्स पे और ऑडियो मैसेज पे काम नहीं करता है। और इसका कोई भी ऐसा तरीका भी नहीं है कि आप ग्रुप चैट पे या आप ऑडियो मैसेजेस पे भी आप इस फीचर को अप्लाई कर सकें। तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आपका फ्रेंड या आप जो भी रेसिपेंट है किसी ग्रुप में आपके साथ एडेड है, अगर आप उसको वो मैसेज सेंड करोगे और अगर वहाँ पे वो रीड करता है, तो भी आपको ब्लू टिक दिखाई देने लगेंगे। तो ज़्यादा बेटर असिस्टेंस के लिए चलिए हम मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। एक चूँकि मैं दो व्हाट्सएप अकाउंट चलाता हूँ एक ही मोबाइल फ़ोन पे, तो मैं आपको एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें करके दिखाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे चलते। तो जैसा कि अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे दो व्हाट्सएप अलग अलग नंबर्स के साथ यूज़ कर रहा हूँ। जैसा आपको पहले दिख रहा है FM व्हाट्सएप 2 और दूसरा आइकन आपको दिख रहा है व्हाट्सएप का, तो मैं दोनों को ही ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एक मेरा पहला व्हाट्सएप है जिस पे आपको मैं DP दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक DP लगी हुई है, ठीक है। ये दूसरा अकाउंट है
अब मैं आपको अपना दूसरा वाला अकाउंट दिखा देता हूँ, तो आपको सेकंड अकाउंट ये दिख रहा होगा जहाँ पर मैंने दूसरी डीपी लगाई हुई है। अभी मैं करूँगा क्या, मैं अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे एक मैसेज सेंड करूँगा, हाय हाउ आर यू, हम करेंगे क्या, अब हम अपने दूसरे अकाउंट पे जाएंगे और हम देखेंगे क्या मैसेज हमारे पास आया है। जी हाँ, तो यहाँ पर दो मैसेजेस दिख रहे हैं हमें, दोनों ही मैसेजेस को मैंने रीड कर लिया है, बट फिर भी अगर मैं अपने पुराने वाले अकाउंट पे जाके देखूँगा तो मुझे ब्लू टिक्स नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू टिक फीचर को डिसेबल किया हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। तो अब इस सूरत में मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मेरे द्वारा सेंड किया हुआ मैसेज रेसिपेंट द्वारा रीड कर लिया गया है या नहीं किया गया है? क्योंकि अगर वो इस फीचर को डिसेबल करके रखेगा तो क्या होगा, हमें ये ब्लू टिक तो दिखाई नहीं देंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो जैसा कि मैंने सिंपली बताया आपको करना क्या है, आपको 5 से 10 सेकंड का एक छोटा सा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लेना है और उसे अपने रेसिपेंट को सेंड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 5 से 10 सेकंड का एक मैसेज रिकॉर्ड कर लेता हूँ। हाय, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, टॉक टू मी। मैसेज मैंने यहाँ से सेंड कर दिया है, तो अभी आपको यहाँ पे ब्लू टिक्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे ही मैं इस मैसेज को रीड करूँगा अपने दूसरे अकाउंट से जाके, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे ब्लू टिक्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ब्लू टिक फीचर वॉइस मैसेजेस पे काम नहीं करता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो मैं करता क्या हूँ, मैं अपने दूसरे अकाउंट पर जाता हूँ और जो भी लास्ट में ऑडियो मैसेज आया है इसे मैं रीड कर लेता हूँ। अब हम जाकर देखते हैं क्या आप वहाँ पर ब्लू टिक्स दिखाई दे रहे हैं। तो जी हाँ, अब आपको ब्लू टिक्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लास्ट का मैसेज रेट किया गया है, क्योंकि मैंने कहा ये ब्लू टिक फीचर वॉइस मैसेजेस पे काम नहीं करता है। तो इसका मतलब ये भी है, अगर लास्ट का मैसेज सुना गया है तो इससे पहले जो मैसेजेस सेंड किए गए हैं उनको भी देखा गया होगा। तो बशर्ते एक चीज़ ध्यान रखें, जब आप इस ट्रिक का यूज़ करें, आपको ये पता करना है कि नहीं आपके द्वारा सेंड किए गए मैसेजेस रीड किए जा रहे हैं या रीड नहीं किए जा रहे हैं, तो आप उसको ये जाहिर ना होने दें। मे बी अपनी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा कंसर्नड है रेसिपेंट, इसी वजह से इस टाइप के फीचर्स को उसने अप्लाई कर रखा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी ट्रिक थी, आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी। इसका इस्तेमाल करते हुए आप पता कर सकते हो कि आपके द्वारा सेंड किए हुए मैसेजेस रेसिपेंट द्वारा रीड किए जा रहे हैं या रीड नहीं किए जा रहे हैं, भले ही उसने ब्लू टिक फीचर को डिसेबल कर रखा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।